आई अभय कुमार गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ द सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इन दिस पार्ट वी हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स एंड देन फॉलोड बाई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. That is relation between E and V. मैं अभय कुमार आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज माने विद्युत आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण या किसी विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत तथा विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध को बतलाऊंगा. हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इसको समझना काफ़ी आसान है, इसलिए कि डिफिनीशंस जो वगैरह है उसको मैं हिंदी में भी बोलता हूं, उसको एक दो बार वीडियो चला करके सुन करके आप लिख सकते हैं. और मैथमेटिकल टर्म तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में समान है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. तो इसलिए हिंदी माध्यम के छात्रों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वे आराम से पढ़ करके इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. किसी बिंदु आवेश के कारण, केवल एक बिंदु आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है. तो इसके लिए हम एक बिंदु आवेश क्यू लेते हैं और उसके विद्युत क्षेत्र में आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लेते हैं. लेट पी बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड. वी हैव टू कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो सपोज दैट पॉइंट, नाउ ड्रॉ इट. दिस इज पॉइंट ओ वेयर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन एंड पी इज ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू. पी जो है बिंदु आवेश क्यू से आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर एक बिंदु है जहां पर की विद्युत विभव ज्ञात करना है, डिटरमाइन करना है. इसके लिए इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं. इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया और दो पॉइंट और ले लिए. इसमें देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी, क्लोज पॉइंट्स, टू क्लोज पॉइंट्स ए एंड बी आर टेकन फ्रॉम पॉइंट चार्ज ए एंड बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी एक्स. मतलब ओपी लाइन को आगे बढ़ा करके इसी लाइन पर दो और बिंदु ले लेते हैं ए और बी, जो कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है. और यहां इसका डिस्टेंस जो है पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वह एक्स मान लेते हैं, डिस्टेंस एक्स है. दोनों के बीच सेपरेशन जो है, दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी है वह डी एक्स है. दिस डी एक्स डिस्टेंस इज डी एक्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज डी एक्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एक्स ऑन द लाइन प्रोड्यूस ओपी प्रोड्यूस्ड. अब जिस पॉइंट पर निकाल, ए पॉइंट पर हमको पी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इसके लिए यूनिट चार्ज को इन्फाइनाइट से पी तक लाना होगा, इन्फिनिटी से पी तक लाना होगा. जो वर्क डन करना होगा वह कैलकुलेट करेंगे, वही वर्क डन पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. वी हैव टू टेक ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. ये आपका फिगर हो गया, हमने स्केच किया. अब आप सपोज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को ए तक ले आए हैं, तो प्लस वन कूलम चार्ज यहां है, प्लस वन माइक्रो कूलम स्मॉल चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड देन इट विल बी ब्राउ टू पॉइंट बी एंड फाइनली एट पॉइंट पी. नाउ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज प्लस वन माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी इज टू बी कैलकुलेटेड एंड देन आफ्टर टोटल वर्क डन इन टेकिंग दिस चार्ज प्लस यूनिट वन यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी विल बी डिटरमाइंड. इन्फिनिटी है
प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स काम करेगा, ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिएक्शन वही होगा फ्रॉम ओ टू ए जो कि फोर्स का रिएक्शन होगा। और यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज रखा हुआ है, तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है पॉइंट चार्ज के कारण उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जितना कि उस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई बिंदु इकाई धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है बिंदु आवेश के कारण, वह बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो वही हमको निकालना है, इसकी दिशा उसे एक ही तरफ होगी। जो फोर्स काम करेगा प्लस क्यू चार्ज के कारण यूनिट चार्ज पर, वो भी काम करेगा इधर, वो भी फोर्स का डायरेक्शन भी होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। कूलम्स लॉ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, 1+1 माइक्रो कूलम जो यूनिट चार्ज ए पॉइंट पर अभी फिलहाल है, उसको इन्फिनिटी से ए तक लाए हैं, तो वह जो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो रिपल्शन फोर्स महसूस करेगा फील करेगा उसको हम निकाल लेंगे, उसको हम डिटरमाइन कर लेंगे विद यूजिंग कूलम्स लॉ। और वह जो है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण। तो यूजिंग कूलम्स लॉ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज प्लस 1 माइक्रो कूलम ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम का नियम का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस 1 माइक्रो कूलम एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एफ इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एफ यूजिंग कूलम्स लॉ क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर, ओ से का डिस्टेंस एक्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण ए पॉइंट पर जो धनात्मक जांच आवेश रखे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वह जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और यूनिट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर फोर्स का अनुभव करता है बिंदु आवेश के कारण पॉइंट चार्ज के कारण, वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। नाउ वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से पॉइंट बी तक प्लस 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है प्लस क्यू के कारण उसके अगेंस्ट में लाने में जो वर्क डन किया गया उसको हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल दैट विल इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज वर्क डन इन मूविंग इन टेकिंग और मूविंग यूनिट चार्ज प्लस 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज डी डब्ल्यू। दिस वर्क डन द सिंबॉल फॉर इट इज टेकन एज डी डब्ल्यू। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बिकॉज बोथ पॉइंट से एंड वी आर वेरी क्लोज, दोनों पॉइंट नजदीक है इसलिए जो वर्क डन करना पड़ेगा प्लस 1 माइक्रो कूलम के से भी तक लाने में वह स्मॉल होगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी वाइल फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम प्लस क्यू टू प्लस 1 अलोंग दैट इज
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यूजिंग द फॉर्मूला, दो सदिशों का अदिश गुणन का सूत्र लगाएंगे, ए का एफ का मॉड डीएस का मॉड इनटू कॉस थीटा, एफ इनटू डीएक्स इनटू कॉस 180 डिग्री. फोर्स का डायरेक्शन ओ टू ए है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यूनिट चार्ज का ए टू बी हो रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 180. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एफ और डीएक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 180. इक्वल टू एफ डीएक्स cos 180 इज इक्वल टू -1, दैट इज माइनस एफ डीएक्स. और एफ इक्वल टू ई, एफ इज इक्वल टू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूनिट चार्ज किसी पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो एफ इजकल टू ई हो गया, एफ इजकल टू ई यहाँ था इक्वेशन वन में, ई इंटू डी एक्स. और ई का वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यूजिंग वन, यूजिंग वन, वन का उपयोग किया, यूजिंग वन इक्वेशन वन. तो दो पॉइंट ए और बी के बीच में ए से बी तक यूनिट चार्ज प्लस 1 microcoulomb को लाने में जो वर्कडन करना पड़ा वह निकल गया. अब टोटल चार्ज आपको पोटेंशियल पी पर निकालना है, तो उसके लिए यूनिट चार्ज प्लस 1 microcoulomb शुरू में इन्फाइनाइट इन्फिनिटी पर था, वहां से पी तक लाना होगा. तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वर्क, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्कडन बिटवीन ए टू बी ओवर इन्फिनिटी टू आर. देयरफॉर हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चीज है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इंच दैट विल इक्वल टू टोटल वर्क डन, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटीग्रल डी डब्ल्यू, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू पर इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, डी डब्ल्यू x इजकल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाना होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, कहाँ तक लाना होगा, p तक लाना होगा जिसका डिस्टेंस r है, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से p तक लाना होगा, उसको इंटीग्रेट कर दिए. अब वही जो वर्कडन होगा टोटल वर्कडन, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से p तक लाने में टोटल वर्कडन जो करना पड़ेगा वही वर्कडन p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. तो वर्कडन इक्वल टू हमने लिखा v, यही v हो जाएगा. इसको इंटीग्रेट कर दिए इक्वेशन टू पर, डी डब्ल्यू इजकल टू -1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, बिकॉज 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इज कॉन्स्टेंट, चार्ज भी कॉन्स्टेंट है, 1/4 pi एप्सिलॉन जीरो भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल. और नाउ लिमिट बिकम्स x इजकल टू r, सिंपली यू कैन राइट इन्फिनिटी टू r इन प्लेस ऑफ x इजकल टू इन्फिनिटी टू x इजकल टू r. Q upon 1/x square can be written as x का power 2, x to the power 2 minus 2 dx is equal to minus 1/4 pi epsilon naught. Integration formula, x and dx is equal to x n plus 1 divided by n plus 1. अब यहाँ bracket दे दीजिए, formula use करने के बाद big bracket, x minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, x is equal to, ये x का value infinity to r. इजकल टू 1 - 2 - 1 हेयर आउट ऑफ इंटीग्रल माइनस 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 प्लस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स 1 - 2 - 1 दैट इज एक्स का पावर माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस वन बचेगा ऊपर में 1/x उसको सीधे लिख देते हैं 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी से आर तक है ना वो द अपर लिमिट x इज रिप्लेस्ड बाई द अपर लिमिट r एंड देन बाई लोअर लिमिट इन्फिनिटी एंड देन माइनस साइन इज टेकन बिटवीन टू 1/4 pi फ्लो नॉट x के जगह पर अब 1/r x रिप्लेस्ड बाई r अपर लिमिट माइनस 1/∞ लोअर लिमिट लिमिट का जो फॉर्मूला है उससे लिमिट के रूल से 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एंड q इज एयर क्यू इज लेफ्ट वी कैन
इंट्रोड्यूस क्यू ऑल्सो 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई इंटू क्यू अपॉन आर 1/∞=0 सो 0 1/r 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू इंटू 1/r दैट इज क्यू बाई आर 1/∞ 0 हो जाएगा इसलिए छोड़ दिए. दिस इज द एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो वहां पर ये एक्सप्रेशन निकल गया 1/∞=0 दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सो आई एम राइटिंग ओनली यू कैन राइट ओनली दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. नाउ वी कैन शो द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस आर बढ़ने आर के चेंज होने के साथ पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा इसका प्लॉट भी हम दिखाएंगे. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नाउ वी कैन शो द प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस आर फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. Now the variation of electric potential V with R for a positive point charge that is Q is greater than 0 and for a negative point charge Q is less than 0 are shown in figure 2 and figure 3 respectively. इसमें R देखिए इसमें plot of V versus R है for positive point charge Q is greater than 0 मतलब कोई धन आवेश के positive point charge के कारण आर डिस्टेंस बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है फॉल कर रहा है घट रहा है. और इसमें आर अगर बहुत छोटा करते हैं स्मॉल करते हैं इफ आर अप्रोचेस टू जीरो देन पोटेंशियल बिकम्स इनफाइनाइट. देखिए ये पैरेलल हो गया वाई एक्सिस से पैरेलल हो गया पोटेंशियल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा. आर अगर घटाते हैं आर डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा. इफ वी कैन टेक वी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू अपॉन आर. If you take R is equal to infinite, then potential becomes Q upon infinite, 1/∞, that is 0. Sorry. If R is taken as 0, then V becomes 1/0 is equal to infinite. तो यहाँ पर भी अगर R डिस्टेंस R को कम करते हैं रिड्यूस करते हैं देख रहे हैं जैसे जैसे R जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल घट रहा है. लेकिन आर का वैल्यू घटाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है ऊपर की पॉइंट. तो आर घटाएंगे तो पोटेंशियल जो है बढ़ेगा. तो आर जीरो करेंगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है वीज गट 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर. ये क्लियर है कि आर का वैल्यू जो है काफी इनफाइनाइट बहुत स्मॉल करने पर पोटेंशियल जो है बढ़ेगा बढ़ करके अगर जीरो आर हो जाता है तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा. और यहाँ पर निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण क्यू इज लेस देन जीरो मतलब निगेटिव पॉइंट चार्ज जो बिंदु आवेश लिया गया है प्लस के थे क्यू वह निगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी निगेटिव है नीचे चला गया एलोंग निगेटिव वाई एक्सिस. और आर का वैल्यू कम करने पर फिर जो है पोटेंशियल जो है टेंड करेगा इनफाइनाइट की ओर. तो ये प्लॉट हो गया निगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस को दिखाया गया है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण वी का आर के साथ वेरिएशन को दिखाया गया है. ये प्लॉट है वी वर्सेस आर. नाउ The second topic is principle of superposition of potentials. Now we have to discuss. Now principle of superposition of potentials, that is electric potential at a point due to a system of point charges. अभी तो हमने देखा एक point charge के कारण r distance और कोई point P था air और vacuum में तो वहाँ electric potential का expression निकाले. अब उसमें बहुत सारे charges हो जाए system of charges, n point charges, Q1, Q2, Q3, Qi. Q1 सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज बहुत सारा बिंदु आवेश हो गया और उसके कारण किसी पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 Q3 Qi और Qn के से R1 डिस्टेंस पर R2 डिस्टेंस पर R3 डिस्टेंस पर Ri डिस्टेंस पर और Rn डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहां की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है. और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस सॉरी पोटेंशियल्स. दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट एट अ सिंगल पॉइंट पी इज इक्वल टू द सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. यू कैन राइट डाउन इट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज. पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, पॉइंट चार्जेस का बिंदु आवेशों का निकाय है, उसके कारण किसी एक बिंदु पर निकालना है पी पर विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव. तो वह प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण पी पर जो विद्युत विभव होगा उसके सम के बराबर हो जाएगा. जैसे V1 प्लस V2, Q2 के कारण पी पर V2 हो जाएगा, Q3 के कारण पी पर V3 हो जाएगा, QI के कारण पी पर जो पोटेंशियल होगा VI हो जाएगा, और जो nवां चार्ज है QN उसके कारण जो पोटेंशियल पी पर होगा वो VN हो जाएगा. सबको सम कर देंगे तो वही रिजल्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा पी पॉइंट पर. We have to sum up all the potentials due to individual charges Q1, Q2, Q3, Qi and Qn at point P, which is called superposition principle for potentials. बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण जो है विद्युत विभवों का, बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभवों का अध्यारोपण सिद्धांत हिंदी में इसको कह सकते हैं. सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज. Point charges is equal to the algebraic sum of the सबको सम कर देंगे algebraic sum of potentials due to individual charge. इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज, अलग अलग पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3, Qi, Qn के कारण है. वो प्रत्येक चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल, अभी जो फॉर्मूला हम निकाले थे सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, उसके कारण कैलकुलेट करके उस पर डिटरमाइन करके सबको सम कर देंगे, उसी को वही रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट पी पर हो जाएगा, और इसी को हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल कहेंगे ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज. इट इज कॉल्ड सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल. इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ पोटेंशियल्स. Position of potentials. That is, mathematically आप लिख सकते हैं इसको, total potential at point P भी आप लिख सकते हैं. It's equal to V1 plus V2 plus V3 plus dot dot V4 plus V5. Yeah. Lastly Vn, सबको जोड़ दीजिए. V1 पोटेंशियल हो गया पॉइंट पी पर Q1 पॉइंट चार्ज के कारण, V2 हो गया इसी पी पॉइंट पर पोटेंशियल Q2 चार्ज के कारण, V3 हो गया पी पॉइंट पर इसी पी पॉइंट पर पोटेंशियल Q3 पॉइंट चार्ज के कारण, और Vn पोटेंशियल हो गया पी पॉइंट पर Q1 चार्ज के कारण. सबको सम कर दिया, दैट इज टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पर मिल गया. और मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेशन से अभी जो इसके पहले निकाले थे पॉइंट चार्ज के कारण, उसका यूज करते हुए 1/4πε0 Q1 upon R1 plus 1/4π epsilon naught Q2 upon R2 plus 1/4π epsilon naught Q3 upon R3 तीसरे पॉइंट चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल हो गया, प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4π epsilon naught Qn upon Qn इज दिस पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज पी फ्रॉम Qn इज Rn. Q1 से P पॉइंट पॉइंट P का डिस्टेंस Rn है, तो Qn अपॉन Rn. अभी हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, किसी एक बिंदु आवेश के कारण Q से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो वहाँ पोटेंशियल 1/4πε0 QiR होता है. तो उसी का यूज करके इसको जनरलाइज कर दिए सभी चार्ज के कारण, V1 की जगह इतना, V2 इज रिप्लेस बाई दिस, V3 की जगह इतना, Vn रिप्लेस बाई दिस, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज. It can written as in form of summation sigma over I to n, 1 is equal to n to I is equal to 1 to n. It can be sum up to n charges Qi. We can write Qi
अपॉन आर आई क्यू आई इफ आई 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 इज वन देन इट इज फॉर चार्ज क्यू वन इफ आई इज इक्वल टू टू देन चार्ज इज क्यू टू आई इज इक्वल टू थ्री चार्ज क्यू थ्री आई इज इक्वल टू एन चार्ज क्यू एन सो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ओवर आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई अपॉन आर आई आई जो है सफिक्स है विच कैन बी रिप्लेस बाई वन टू थ्री टू एन दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज इन बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पी पर कुल विभव को हम सिग्मा के रूप में इसको समेशन करके ऐसे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नाउ द लास्ट टॉपिक इट कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम वी विल सी लेटर ऑन इन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर इस पर जो हम प्रॉब्लम बना सकते हैं इस चैप्टर के लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में हम प्रॉब्लम बना रहे हैं डिटेल में तो उस पर जो है इस पर प्रॉब्लम देखेंगे लेकिन अब लास्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत तीव्रता और विभव में संबंध इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो नाउ वी हैव टू डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी और वह रिलेशन है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर इस फॉर्मूला को डिराइव करना है अक्सर एग्जाम में ये पूछता है विद्युत तीव्रता ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत विभव में संबंध है निकालना है तो इसके लिए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो क्लोज पॉइंट लिए हैं ए और बी जिसके बीच का डिस्टेंस डी आर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ए पॉइंट पर इधर दिखाया गया है उस ए की तरफ जो कि फोर्स का भी डायरेक्शन है जो रिपल्सन फोर्स प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज यहाँ सपोज कर लिए हैं लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है यूनिट चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वो तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लेंगे दोनों के बीच में वर्कडन पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज को ए से बी तक लाने में जितना वर्कडन होगा वह निकल जाएगा एंड देन हमको रिलेशन भी मिल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्लोज पॉइंट है डी आर डिस्टेंस पर उसके बीच में पी टी निकाल लेते हैं जो कि वर्कडन पर यूनिट चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो कि कल के पार्ट में पिछला पार्ट में हमने बतलाया था लेट डी आर बी द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स ए एंड बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू ये दोनों क्लोज पॉइंट ए और बी जिसके बीच सेपरेशन डी आर है जो कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बिंदु आवेश प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में स्थित है इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है नाउ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points A and B is dV, delta V or dV, dV is equal to VB minus VA. दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का अंतर डिफरेंस ए से बी पर हम टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं तो जिस पॉइंट पर ले जाएंगे वहां पोटेंशियल पहले लिखेंगे तो वीबी शुड बी लिखें वीबी शुड बी रिटन अर्लियर एंड देन आफ्टर पोटेंशियल एट ए जो कि ए पॉइंट से लाया है ए को बाद में बी ए बाद में पहले ए से बी तक लाए हैं जांच आवेश प्लस क्यू जीरो को धनात्मक पॉजिटिव जांच आवेश को धनात्मक जांच आवेश को ए से बी तक लाए हैं तो पहले पोटेंशियल बी पर लिखेंगे बी बी और उसके बाद ए का पोटेंशियल लिखेंगे बी ए और ये होता है वर्कडन पर यूनिट टेस्ट चार्ज डब्ल्यू अपॉन ए और बी के बीच में जो वर्कडन डब्ल्यू और सिंपली डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं वी कैन राइट डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और फोर्स जो है जो कि रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में होगा एफ डॉट डी आर तो एफ और डी आर का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस कार्य जो होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है तो यहाँ पर हमने कॉस 180 के लिए माइनस वन हो गया कॉस 180 एफ इंटू डी आर
एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी आर इंटू कॉस थीटा। और यहाँ एफ और डी आर का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हो रहा है, फोर्स लग रहा है बी से ए की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा 180 हो जाएगा। तो cos 180 = -1 अभी हमने पहला टॉपिक में यूज किया था निकालने में, उसको लिख दिए माइनस एफ इंटू डी आर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ए से बी का फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, अब फोर्स जो है क्यू नॉट, जो फोर्स क्यू नॉट जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह क्यू नॉट इन मल्टीप्लाइड बाई उस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट विल कैंसिल आउट, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। कोई अगर टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड है तो उस पर जो फोर्स काम करेगा वह जो है उस टेस्ट चार्ज में ही से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द टेस्ट चार्ज placed at a point inside the electric field is multiplied by the magnitude of electric field we get the force acting on that test charge, positive test charge, that is q naught into e, f is equal to force acting on the point charge q naught into e, f e f is equal to q naught into e। formula pehle bhi humne bataya tha, किसी चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा और आपका रिलेशन आ गया। और डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, दिस इज द रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर डी वी आर बाई डी आर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज द रिलेशन वन। और निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जिधर पोटेंशियल फॉल करेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग इन विच देर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है और जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्कडन होगा वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे ए से बी की तरफ आएंगे, ए पर पोटेंशियल मान लिया कि भी है तो बी पर हो जाएगा भी प्लस डी भी, थोड़ा सा डिस्टेंस इधर बढ़ा तो वर्कडन भी बढ़ा, तो ई का डायरेक्शन उधर है जिधर पोटेंशियल फॉल करता है, ये माइनस साइन ही इंडिकेट करता है। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ई की तरफ जाएंगे ई का डायरेक्शन इधर है तो पोटेंशियल फॉल करेगा, और इन्फिनिटी से बी की तरफ आएंगे इधर आएंगे लेफ्ट आएंगे तो पोटेंशियल का वर्कडन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि वर्कडन भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने पर वर्कडन बढ़ता है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल माने विद्युत तीव्रता की दिशा किसी बिंदु पर जो है वह विभव के घटने की दिशा में है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड पोटेंशियल बी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। नेगेटिव साइन इन वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में आप लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द फॉल ऑफ पोटेंशियल, लिख सकते हैं नेगेटिव साइन indicates that the direction of E vector is along the fall of potential, electric potential. इस रिलेशन को हम थ्री डायमेंशन में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड बी,
वी कैन राइट इट। तो निगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जिधर पोटेंशियल फॉल कर रहा है। इन 3D ई कैन बी रिटन एज माइनस ग्रेड डेल वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे माइनस निगेटिव ग्रेडियंट भी, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी इन 3D हो गया, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इन 3D ऑर्डिनेट्स। इस रिलेशन को इक्वल टू माइनस ग्रेड भी, कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग इंटेंसेस में ही पूछा है इस फॉर्म में, ये फॉर्म ना पूछ करके इस फॉर्म में इक्वल टू माइनस ग्रेड वेयर टेल ऑपरेटर, इसको टेल ऑपरेटर कहते हैं ग्रेड, वेयर टेल ऑपरेटर और ग्रेड, इट इज रीड एज ग्रेड इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, क्योंकि 3D के लिए, 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में के लिए 3D के लिए जो है ये ग्रेड करेंगे। अब 1 डायमेंशनल है केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो डेल वाई डेल वी अपॉन आर के जगह डेल एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। वाई के लॉन्ग है, अगर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज देखना है पोटेंशियल के साथ वेरिएशन, तो डेल वी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और जेड के लॉन्ग देखना है तो माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। तो डेल ऑपरेटर को ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए स्पेस के लिए आई डेल वाई डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये दिस इज द रिलेशन इक्वेशन नंबर 3, यू कैन राइट इट वेक्टर फॉर्म हो गया और ये 3 डायमेंशन में हो गया, इसको भी बता दिए बतला दिए। दैट्स ऑल दिस टॉपिक। अब हम मिलेंगे 4th पार्ट में इसके बाद, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। थैंक यू।